रिश्तेदारों को काबुल बचाने से अपने कजू रिश्तेदार देख रहे हैं। कहते थोड़े बहुत पैसे बचाओ और घूमने निकल आओ। गाइस अभी हम हैं भोपाल में और मैं रुका हुआ हूँ अपनी मौसी के यहाँ। अब मैं कल काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन मैं जाना तो चाह रहा था भीमबेटका, लेकिन मैं नहीं जा पाया। रीजन ये था कि हम मतलब कमर में भी दर्द था और मेरे कपड़े भी गंदे हो रखे थे, तो मैंने कपड़े अपने धोकर डाल दिए थे सुबह ही। और धूप मतलब कल तो निकली ही नहीं, तो कपड़े सूख ही नहीं पाए, तो आज ये सूख गए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ भीमबेटका की तरफ। तो चावल की खीर ये बन रही है और इधर बन रही है आलू मटर। तो हम तो जाना चाह रहे थे, लेकिन मौसी ने नहीं जाने दिया, बोली कि इतना थक गए हो मत जाओ मत जाओ। तो रिश्तेदारों के लिए कुछ मैसेज देना चाहती है, बताओ रिश्तेदारों को क्या है? सब देख रहे हैं पूरे रिश्तेदार अपने। तो रिश्तेदारों से मौसी कुछ नहीं कह रही हमारी। तो अभी हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ से, तो क्या कहना चाहोगी? आज रुक जाओ हमें तो। तो अभी दो दिन हो गए हैं मौसी के यहाँ, अभी हम जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं दीपक अपन? अब्दुल्लागंज जा रहे हैं, मौसी ने बता दिया है। कस्टम कॉलोनी कूलर में है हमारे मौसा जी, तो अगर आपको देखें आप एक बार देख लीजिए। तो अगर मौसा जी दिखते हैं तो कमेंट में बता देना कि हाँ मैं आपके मौसा जी देखे थे। तो चलते हैं मौसी के यहाँ से, अभी हमें जाना है अब्दुल्लागंज, वहाँ पर हमारे एक भाई हैं, तो वो बहुत दिनों से हमसे मिलने की मतलब कह रहे हैं कि मिलना मिलना मिलना। मैंने कहा आ जाओ तो मिल ही लेते हैं। गाड़ी ऐसी धूप में रखी है, ऐसे तुम्हें धूप में रखा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? का लो चाबी ले, तुम पीछे आ रहा पीछे ओ पीछे हैं, हो सकता है को कल ही घूम जाए। अरे वो टी शर्ट आएगी ना तो भाई के काम में रहेंगे, काम रख दे यार। ये है जगह, यहाँ है मौसी का घर, हो जाना आराम से, मौसी से कांटेक्ट कर लेना। चाओ अल हबीबी। तो गाइस ये हमारा लुक है आज का, क्योंकि हम धूप में सफ़र करने वाले हैं और फेस पे टैनिंग ना आ जाए, क्योंकि अगर टैनिंग आ गई तो लड़कियां नहीं देखेंगी। तो झुर्रियां तो बुढ़ापे पर आती हैं मौसी, अभी टैनिंग आ रही है, वैसे ही तो काले काले धब्बे पड़ रहे हैं। तो ये मैंने लुक बनाया है, ये थोड़ी गीली है जिससे ठंडक महसूस हो रही है, इसको ऐसे डाल लेंगे, फुल कवर है। तो चलते हैं अब्दुल्लागंज। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम अब्दुल्लागंज, और ये रास्ता बड़ा ही दुर्लभ है, तो दुर्लभ रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं अभी। गाइस गूगल मैप्स के भरोसे हम आए थे, तो हमें ये रास्ता मिला है, यहाँ पे आगे रोड खत्म हो गई है। मतलब कहते तो बहुत लोग थे, लेकिन आज हमें पता चल गया है कि गूगल मैप्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अबे कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं? अगर मैं ना बोलूं तो सीधा जाना है, अगर राइट पे हाथ रखूं शोल्डर पे, ठीक है राइट हाथ अगर तुम्हारे शोल्डर पे रखूं तो तुम्हें जाना है राइट, और अगर लेफ्ट पे रखूं तो तुम्हें जाना है लेफ्ट। समझ गए? हाँ वेरी गुड। खुशबू आ रही है, एक बार पता है कोई फूल लेके आया उसमें खुशबू नहीं आ रही थी, वो दूसरे टाइप के फूल होते हैं ना। हाँ ये फूल होते हैं ना, खुशबू नहीं आती है। क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा। श्रद्धा कितने क्लास में पढ़ती हो? फोर में पढ़ती हो? फोर में नहीं पढ़ती। तो अभी हम आए हैं श्रद्धा के पास, श्रद्धा से मिलने। तो श्रद्धा इनको क्या कहना चाहोगी बताओ? ये लोग तुम्हें देख रहे हैं, इन्हें पहाड़े सुना दो। पहाड़े आते हैं तुम्हें स्कूल जाते, गिनती आती है, इंग्लिश आती है, एबीसीडी सुना दो जल्दी जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57
और ये पूरे नूडल का हमने बहुत नाम सुना है, यहाँ के गुलाब जामुन बहुत फेमस है, चेक करके कि हकीकत में बस ऐसे ही नाम फेमस है।
देखने तो काफी हुआ है। अचानक से लागे खड़ा कर दिया, स्माइल करो। कैसे लग रहा है? वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आज खा रहे हैं। तुम दद्दस रसगुल्ला खाने वाले इंसान। ये गुलाब जामुन हमने खा लिया है यहाँ पर, और हाँ जैसा कि फेमस है तो काफी अच्छा लगा। दीपक का तो पता नहीं, तुम्हें कैसा लगा? ठीक लगा। हाँ ठीक लगा है मैं तो। बाकी चलते हैं आगे भीमबट का, दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। अरे बैठा दो भैया। नहीं है हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी प्रकृति का नजारा है। तो गाइस अभी हम यहाँ आए हुए हैं और ये खूबसूरत वादियों के मजे ले रहे हैं, इसलिए कहते हैं थोड़े बहुत पैसे बचाओ और घूमने निकल आओ, और दुनिया देखो क्या मजा आ रहा है। सो गाइस अभी हम स्थित हैं भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? ये भोपाल से महज और अब्दुल्लागंज से मात्र 7 से 8 किलोमीटर है। मुझसे नहीं होगा यार ऐसे न्यूज़ रिपोर्टरों की तरह बताना। तो ये देख लो यहाँ पे अपने आदि मानव रहते थे, यानी शुद्ध भाषा में गए हमारे पूर्वज जो चित्र बनाकर बात किया करते थे। तो अंदर कुछ चित्र बने हुए हैं जो कि हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। ये कुछ बने हुए हैं, एक उड़ता हुआ घोड़ा भी देखा हमने, मुझे नहीं पता शायद उड़ता होगा पहले। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें। तो गाइस बता रहे हैं कि आगे डायनासोर भी उड़ेगा, कछुआ भी उड़ेगा, हाथी भी उड़ेगा। तो चल रहे हैं आगे बड़े। हेलो। तो गाइस ये है तेंदू के पेड़। तेंदू पहली बार नाम सुना है हमने, तेंदू से हमें तेंदुआ याद आता है बस। इसमें कुछ फल वल लगता है क्या? नहीं। तो इसमें फल भी नहीं लगता। वैसे हमने भी दोबारा जन्म लाओ ये तो हम भी आदि माना हुई है पहले। हमें 5 पांडव आए थे यहाँ पे, उन्हीं का घर ही है। तो वे तो बता आदि मानव है। कौन बोला? अरे पांडव को घर है। हाँ 5 पांडव आए थे भीम, वो इसके लिए तो इसका नाम है भीम बेटका। अरे यार हमें बताया गया है कि यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे। कौन ने बताया? नहीं आदि मानव को है ना, 5 पांडव आए थे इसलिए तो भीम बेटका नाम। अब तो बेदे गई बात। तुमने कही यार, अब तो बेदे गई बहु पे तो लिखो तो के आदि मानव। एक बात बताओ, पांडव को भाषा बोलबो नहीं आती तो चित्र बना के बात करते का? जो भोजपुर में मंदिर बनाया था हमने, यहाँ आए थे, ये उन्हीं का घर है। रातों रात मंदिर बनाया था भोजपुर में, भोजपुर के यहाँ रुके थे भीम बेटका, इसलिए इसका भीम नहीं। तो अरे ये पांडव अभी की बात है, आदि मानव मतलब जब मानव प्रजाति शुरू हो रही थी। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो वो पहले की बात है जो बाद की बात है। अरे यार आदि मानव को देखे यार, वहाँ पे लिखी है बॉर्डर ने पे लिखी है। अरे वो मूर्ति पांडवन की थोड़ी बनी हुई वे आदि मानव पहले कपड़ा कहाँ पहनती, वहाँ पे नंगी पुंगी मूर्ति है। ड्राइंग है तो ड्राइंग नहीं है तो कहाँ को बनाएंगे आदि मानव ने। तो यहाँ पे अरे घूमने आए होंगे। यार इन्होंने हमारा इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पांडव रहते थे या आदि मानव रहते थे? आदि मानव रहते थे। कहाँ से हो तुम? तो एक सेकंड कहाँ से हो तुम? 5 पांडव नहीं आए थे यहाँ पे भोजपुर? क्या भोजपुर? अरे यार रुक जा यार, रुक जा, हो गया फैसला। दूध का दूध करते हैं, दूध का दूध हो गया, दूध का दूध हो गया, फट गया तुम्हारा दूध तो, अब मठा बन गया मठा। हम लस्सी बनाएंगे गाइस, चलो आगे। कैसे कैसे लोग हैं मेरे साथ यार, है बताओ इतिहास। इन्हें हम इनके साथ घूम रहे हैं जो हमें मतलब जो चीज हम घूमने आए उसी का उल्टा बता रहे हैं। अपने पूर्वज हैं। हाँ तो यही तो रहते थे यहाँ। तो यहाँ से ऐसे बन के गए।
ये फैक्ट्री थोड़ी है। रुक जा, अभी अभी ये बता देगा छोटू, तुम बताओ यहाँ आदि मानव रहते थे या पांडव? लियो, तुम्हारे लड़का को तुमसे ज्यादा पता है। आदि मानव से लेके यहाँ तक बन के आए ना? नहीं, ऐसे रहते थे यहाँ पे ऐसे, तो इनको बोलना नहीं आता था, इसलिए चित्र बनाया करते थे। हाँ तो गाइस, मुझे तो इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा उठ गया है कि ये लोग हमें सही नॉलेज देंगे, तो हम तो खुद बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। देखो इसमें भैंस है, सांड है, ठीक है, बारहसिंगा है। एक बात अच्छी लगी कि यहाँ आशिक मिजाज लोग कम आते हैं। नहीं भगवान कसम, बगल में लिखा होता भाई के चित्र के बगल में लिखा होता शीलू आई लव यू। हकीकत में हर जगह जाओ तुम कहीं भी, होशंगाबाद में भी वहाँ मिल जाएगा कोई, हमारे यहाँ भी चलचित्र है, पर वहाँ भी राहुल सोनिया लिखे हुए हैं वहाँ बगल में, जैसे भाई इनके माइयो बाप बना गए थे। वो चीज कहीं भी ऐसा लगता है ना, अचीवमेंट मिल गई है भाई, हम अपना प्यार को पत्रों पे लिख दिया है। देख लिया हमने भीमबेटका और आपको भी दिखा दिया है, तो हम जा रहे हैं वापस अब्दुल्लागंज, वहाँ से सोचेंगे कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है।